आप समाचार विस्तार सँ शुक्रक भर त्रिशुली में भेल बस दुर्घटना पड़ल में से 6 गोटे के अवस्था एखनो अज्ञात है। पुलिस के तथ्यांक 4 गोटे बेपता देखा रहा समय में परिवार जन 6 गोटे बेपता भेल दावी केने अछि। भारत के बिहार के फेकुराय राम प्रवेश राय के संगे रोथर के मुडबलवा, दू के राम बालक जयसवाल, वार्ड नंबर 3 के रविरंजन यादव आ वार्ड नंबर 8 के मुकेश राम के एखनो पता लाग नहीं सकल परिवारजनक सदस्य सब बतौने अछि। गौर सँ पोखराक लेल खुजल 1X3701 नंबर के यात्रुवाहक बस शुक्रक भोर करीब 3:30 बजे त्रिशूली नदी में खसलाक बाद 22 गोटे के मृत्यु भेल छल, मुदा प्रहरी घटनास्थल में भेटल 18 गोटे सबके शनाखत कलाक बाद एखनो 4टा सबके शनाखत होब नहीं सकल बतौने अछि। रोथर के मृतक में से 18 गोटे के शनाखत भेल छल, शनाखत भेल में से 16 गोटे के सब रोथर लाओल गेल, जिला प्रहरी कार्यालय रोथर जनौने अछि। 4 गोटे भारतीय सहित 12 गोटे रोथर के व्यक्ति सब परिवारजन चितवन से लौने प्रहरी नाव उपरीक्षक नवीन कृष्ण भंडारी बतौने छथि। धार्मिक परंपरा अनुसार जिला के विभिन्न स्थान समय शनि दिन 12 गोटे के दाह संस्कार कैल गेल अछि। मुडबला 3 के 35 वर्षीय चितरंजन यादव आ मुडबला 6 के 33 वर्षीय राजेश प्रसाद यादव के परिवारजन शनि दिन भगवती किनार में दाह संस्कार कैलक अछि। यात्रु आ चालक के 42 गोटे सवार बस त्रिशूली में खसलाक बाद रोथर्ट मोड बलवा के एक टोल के 5 गोटे के मृत्यु भेल छल। सभामुख अंसारी घटी जनसंख्या के आधार में राज्य के प्रत्येक निकाय में समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व आवश्यक रहल कहैत ओहि के लेल आंदोलन कर आदिवासी जनजाति सब के आह्वान के लिए छ। आदिवासी जनजाति उठने राज्य के हरेक निकाय में समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व आ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के मांग प्रति अपन पूर्ण समर्थन रहल कहैत संविधान में टिकक अधिकार प्राप्ति के लेल आंदोलन कर आग्रह के लिए। आदिवासी जनजाति सम्बद्ध संस्था सब शनि दिन काठमांडू में केने संविधान संशोधन में आदिवासी जनजाति सभक सवाल विषय के अंतर क्रिया में सभामुख घरती विभिन्न राजनीतिक दल के सांसद समक्ष अधिकार प्राप्ति के लेल करबला आंदोलन में अपने साथ देवाक समेत बतौने छले। ओ आंदोलन केला से प्राप्त उपलब्धि के कार्यान्वयन कर सेहो दबाव देव पड़त, अन्यथा भविष्य में अधिकार प्राप्ति के बाटे बंद होत बतौली। सभामुख घरती आदिवासी जनजाति उठौने मांग संबोधन के लेल संविधान संशोधन अनिवार्य रहल कहैत प्रमुख दल सब संविधान संशोधन क के असंतुष्टि संबोधन कर में अपने आशावादी रहल सेहो बतौने छली। श्री श्री 108 बाबा गरीनाथ मंदिर में पूजा पाठक लेल आइ कलश यात्रा सम्पन्न भेल अछि। धनुषा के पेंथी दू बेला स्थित रहल गोविंद मंदिर में प्रत्येक साल होइत आयल पूजनोत्सव के ल क आइ सेहो कलश यात्रा सम्पन्न भेल अछि। कलश यात्रा बेला के गोविंद मंदिर से शुरू भ क जनकपुर के जीरोमाल, भ्रमरपुरा चौक, रमानंद चौक होइत जानकी मंदिर, जनक चौक होइत गंगा सागर पहुँच क कलश भरल गेल छल। गोविंद सेवा समिति बेला प्रत्येक वर्ष गोविंद बाबा के पूजा पाठ करैत आयल अछि। अब इंटरनेशनल न्यूज। अफ्रीकी देश में विद्रोही संगठन बोको हराम के हिंसात्मक गतिविधि के कारण 14 लाख बाल बालिका विस्थापित भेल संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल कोष यूनिसेफ जनौलक अछि। नाइजीरिया, कैमरून, चाड आ नाइजर में बोको हराम के कारण मानवीय अवस्था संकट में रहल लाखों बाल बालिका विस्थापित भेल यूनिसेफ उल्लेख कयने अछि। कमती में 10 लाख बाल बालिका द्वंद्वग्रस्त क्षेत्र में फंसल आ ओ सब पहुँचा के समस्या हुनका सब धरि पहुँचा के समस्या भ रहल यूनिसेफ सार्वजनिक कयने पिछला प्रतिवेदन में उल्लेख है। मुदा इससे पहले पहुँच नहीं सकल नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में राहत सामग्री पहुँचाओल गेल पश्चिम तथा मध्य अफ्रीकी अफ्रीका के लिए यूनिसेफ के क्षेत्रीय निर्देशक मैनुअल फोनटाइने बतौने बोको हराम के नियंत्रण में रहल क्षेत्र में फंसल बाल बालिका के अवस्था दयनीय रहल आ हुनका सब धरि तत्काल सहायता पहुँचाब परत में यूनिसेफ जोर देने अछि। बोको हराम ई वर्ष 38 गोटे बाल बालिका के आत्मघाती आक्रमणकारी के रूप में प्रयोग कह लेने यूनिसेफ जनौने अछि। सन 2014 से एखन धरि 86 गोटे बाल बालिका आत्मघाती आक्रमण में प्रयोग भेल अछि। एहि वर्ष बोको हराम के नियंत्रण में रहल क्षेत्रक 4,75,000 बाल बालिका गंभीर कुपोषण के खतरा में रहल सेहो जनाओल गेल अछि। भूकंप में पड़ कर मृत्यु भेल सभक स्मरण में इटाली में एक दिनक राष्ट्रीय शोक की घोषणा कैल गेल अछि। इटाली सरकार भूकंप में मृत्यु भेल सबके स्मरण में शनि दिन एक दिनक राष्ट्रीय शोक की घोषणा कयलक अछि। शनि दिन राष्ट्रीय झंडा आधा झुकाओल गेल अछि।
बुधक भोर भेल 6.2 रेक्टर स्केल के भूकंप में पड़ कर एखन धरि 281 गोटे के मृत्यु भेल पुष्टि भेल। समाचार संस्था रॉयटर्स जनौने अछि। तहिना भूकंप में पड़ कर मृत्यु भेल 140 गोटे के सामूहिक अंतिम संस्कार कयल गेल अछि। उद्धार तथा राहत के काम एखनो जारी अछि। किछु ठाम में जीवित के खोजी करबाक क्रम रोकायल गेल अछि। भूकंप में पड़ कर घायल भेल 388 गोटे के इलाज भ रहल आ ओहि मे सँ 40 गोटे के अवस्था गंभीर रहल। रोम में रहल नागरिक सुरक्षा विभाग सब जनौने अछि भूकंप प्रभावित त्रिपाल तथा टेंट में रहि रहल अछि। सरकार भूकंप से क्षति पहुंचल सब क्षेत्र के पुनर्निर्माण करक के प्रतिबद्धता जनौने अछि। मुदा किछु प्रभावित सरकार के प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहि होबाक की होबाक कहि कऽ चिंता सेहो व्यक्त केने अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। मैत्रीपूर्ण क्रिकेट खेलक जापान पहुंचाओल गेल गैर खिलाड़ी में से आधा से बेसी टोकी विमानस्थले सब बेपता भेल बुझा में आयल अछि। नेपाल क्रिकेट टोली संगे त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से हांगकांग ट्रांजिट होइत जापान के टोक्यो स्थित नारिता अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में पहुंचल गैर खिलाड़ी ओत से एकाएक गायब भेल छल। जापान पहुँच कर घुरल खिलाड़ी के अनुसार नारिता विमानस्थल से हुनका सबके रह लेल तय भेल। होटल धरि पहुँचल समय में 900 गैर खिलाड़ी में से 2 गोटे मात्र संगे छल। बाकी 7 में से किछु विमानस्थल आ किछु बाट से अनतरे लागल स्वदेश घुरल खिलाड़ी सब बतौने अछि। जापान पहुँच कर घुरल ओ सब राष्ट्रीय टोली के प्रशिक्षक जगत टमाटा सीनियर राष्ट्रीय टोली उसने लिखित जवाब में समेत गैर खिलाड़ी विमानस्थल से गायब भेल जानकारी देने अछि। संगे गेल खिलाड़ी बाटे से हरेला के बाद टोली व्यवस्थापन शोध खोज नहीं केने दिखल गेल अछि। नेपाली टोली संगे गेल नेपाली सीनियर राष्ट्रीय टोली के पूर्व सदस्य सिद्धांत लोहनी तथा अंडर 19 राष्ट्रीय टोली के खिलाड़ी प्रेम तमांग, सौरभ खनाल, राम नरेश गिरी, फजलुर रहमान, अमित श्रेष्ठ आ राष्ट्रीय खिलाड़ी सोनू तमांग नेपाल घुरल छथि। हुनका सब संगे टोली प्रशिक्षक के रूप में गेल सुंदर थापा छेत्री आ व्यवस्थापक के रूप में गेल किरण राणा सेहो घुरल छथि। खिलाड़ी के रूप में लगल अन्य 9 में से टोली संगे नहीं घुरल सरकार वाला निकाय ओहि के छानबीन शुरू केने अछि। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC जापान खेलब गेल विषय में खिलाड़ी सब संगे लिखित स्पष्टीकरण पूछ प्रशिक्षक जगत टमाटा के निर्देशन देने अछि। त युवा तथा खेलकूद मंत्री दलजीत श्रीपाली सेहो आंतरिक छानबीन शुरू केने बतौने छथि। मैत्रीपूर्ण खेल खेलल टोली बीतल 15 जुलाई में जापान गेल छल। व्यस्त अपने न्यूज अखन के लिए एतबा पल पल खबर। तेज नजर देखते रहो अपन टीवी। नमस्कार।